Oh, hi friends. है ना, अभी बिल्कुल मैं स्टैम्प कर रहा हूँ. आपको पता चल गया मैं आज क्या करने, मैं करने वाला हूँ होम मेड स्टैम्प. ये देखो, मैं मेरा एस. तो चलो, मटेरियल हमें लगेगा ट्रांसपेरेंट टेप, पेन, सीजर, कार्डबोर्ड, फोम शीट. अगर आपके पास फोम शीट नहीं हो तो आप कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हैं, और ग्लू. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें कार्डबोर्ड के एक रेक्टेंगुलर पीस कट करना है, फिर उसको बीच में से काटना है, और फिर इधर से भी, मतलब दो पार्ट हो गए ना, एक पर से उसको स्क्वायर बनाना है, तो एक स्क्वायर पार्ट बनना है. अब हम लेंगे फोम शीट और उसका भी एक स्क्वायर पार्ट कट करेंगे. और फिर मेरा फर्स्ट लेटर एस है, तो मैं एस लिखूंगा. आपको जो करना है वो आप कर सकते हो, पर एक मिनट. ये देखो मैंने क्या किया है अभी. ये अब हम क्या करते हैं, ये ऐसा एस निकालते हैं, ऐसा मतलब ऐसा से. तो मैंने क्या किया अभी, ये ऐसा एक एस लिखा है ना, फिर उधर एक स्टैंडिंग है, फिर उधर से और एक एस ऐसा निकाला, उधर से स्टैंडिंग, मतलब वो 3D एस होता है. जो हम इस एस को काट देंगे. मतलब आप स्क्वायर बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, कुछ भी शेप बना सकते हैं. मैंने अब एस कट कर लिया है, तो वो जो हमने वो ऐसा स्क्वायर पीस लिया था ना, उस पर हम ये एस स्टिक कर दिया. ये सूखने को रखते हैं. हमारा जो ये एक दूसरा कार्डबोर्ड का पीस था, उसका हम एक ऐसा डोल बनाएंगे, तो उसको हम ट्रांसपेरेंट सेलो टेप से चिपका देंगे. अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट सेलो टेप नहीं हो, कोई बात नहीं, आप ग्लू से भी चिपका सकते हैं या अलग सेलो टेप से चिपका सकते हो. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर हम मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं लाइक भी कर देना. तो हमारा जो ऐसा रूल हो गया, तो हम पीछे से छोटे छोटे कट्स मारेंगे. और फिर उनको हम ऐसा कर देंगे, देखो ऐसा ऐसा बना देंगे ऐसा. हमने उनको ब्लर कर लिया, तो मैं जो ये वाला पीस था उस पर हम ऐसे रखेंगे, फिर ट्रांसपेरेंट सेलो टेप से हम उसे चिपका देंगे.
एस हमने उसको चिपका दिया है। अब हम क्या करेंगे, इंक लेंगे और इंक हम जो एस है मतलब अपने वो ड्रॉइंग एस की उन पर हम ऐसा इंको से डालेंगे। और फिर सब पर इनको से अच्छी तरह से दबाएंगे। ये देखो फ्रेंड्स, बन गया ना हमारा स्टैम्प होममेड वाला। ऐसे आप और भी स्टैम्प्स बना सकते हो। बाय बाय।